हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवव्रत अग्रवाल और आज मैं आपको एक नए प्रोडक्ट के बारे में रूबरू कराता हूँ। बहुत से लोग इसको बारे में जानते होंगे, जिसको पता है वो वीडियो स्किप कर दे, पर जिसको नहीं पता है वो वीडियो देखे। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे भाई जो बिल्कुल शुरुआत काम कर रहे हैं और जो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा दिक्कत होता होगा आईसी को रिवॉल्व करना, क्योंकि ईएमएमसी जनरली ईएमएमसी आईसी है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे बच्चे ईएमएमसी के कुछ सस्ते वाले ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं, पर वो यूएफआई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले तो लेते हैं, बट पूरा काम नहीं कर पाते और ना ही वो आईसीयू को रिवॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि एक फोन पर बोलकर या वीडियो को देखकर हम कितनी आईसीयू को रिवॉल्व कर लेंगे, अगर ये वाकई में सच होता तो हम कुछ भी कर सकते थे। तो ऑनलाइन तो मैं पॉसिबल ही नहीं समझता। फिर भी ये प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ स्मार्ट व्यू की तरफ से। ये उन दोस्तों के लिए है जो किसी इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे हैं, जो क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट आते हैं तो दोस्तों मैं सच बताऊं किसी भी स्टेंसिल से आप रिवॉल्व कर सकते हो, पर ये एक मैग्नेटिक स्टेंसिल है और ये स्मार्ट व्यू ने निकाली है। RB01 मॉडल नंबर है इसका, बीजर रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। तो ये खास तौर पे उन स्टूडेंट के लिए है जिनको रिवॉल्विंग में दिक्कत आ रही है और बिल्कुल नए है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि बहुत आसान हो जाता है इसे रिवॉल्व करना, आपका ना रिवॉल्विंग में कोई बॉल निकलेगा ना ही आपके बॉल ऊपर जाएंगे, बस आपको हीट और आपको एयर अच्छे से, आपने कहीं जिससे भी कोर्स किया होगा उससे पूछिए कि भाई हीट कितनी रखनी, एयर कितनी रखनी है, कौन सा SMD लेना है, ब्लोअर कौन सा, और इसमें जो नोजल लगा होता है वो कितने MM का लेना है। तो ये सारी चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज समझना, कितने ऊपर रखना है, कितने नीचे रखना है, कितना घुमाना है, तो सारी चीजें आप अपने जो भी गुरु है उनसे पूछ सकते हैं। ये जो रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ स्मार्ट व्यू की तरफ से। अगर आपको परचेस करना है तो ZX मलिक का नंबर आपको दिख रहा है। ये ZX मलिक की तरफ से मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ जो है मैग्नेटिक स्टेंसिल। आइए देखते हैं पहले इसमें क्या है, और मैं यहाँ दिखाता हूँ इसको दिखाने के लिए। मैं प्रैक्टिकल एक ईएमएमसी यहाँ पे मैंने लिया है, अगर आप जानते हैं तो आप बता देंगे इसका नाम। तो ये BJ221 है, देखिए थोड़ा पास आइएगा। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पर डब्बा आपको देखने को मिलेगा BJ254। यहाँ पर जैसे एक फोटो बना हुआ स्मार्ट व्यू, यहाँ पर इसकी कंपनी में लिखा हुआ है कौन कौन से सपोर्टेड है, VGA153, 162, 169, 186, 221 और 254। लेटेस्ट 254 है और 221 जैसे कि आपको बताया है ऑलमोस्ट सारे 4G में सपोर्टेबल है और 153 बाद में। ये बाकी BGA आपको 3G मोबाइल में देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पर बताया है हाईली टेम्परेचर रेजिस्टेंस कि आप अगर ज़्यादा टेम्परेचर भी देते हैं तो ये फूलेगी नहीं। और बाकी अच्छी लेजर कटिंग के साथ इसको बनाया गया है और मैग्नेटिक प्लेसमेंट होल्डर है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको अभी तक आपने ये देखे होंगे जो डीलर्स होते हैं या जो जो इसके बेचने के सेलर होते हैं उनके बारे उनसे ये वीडियो देखा होगा, पर आपने एक प्रैक्टिकल वीडियो नहीं देखा। तो ये आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम के चैनल देवव्रत अग्रवाल पे। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि मेहनत आपके लिए है। तो दोस्तों ये है मैग्नेटिक स्टेंसिल, देखिए ये स्टेंसिल में जैसे कि यहाँ पर बताया गया है इतने सारी स्टेंसिल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अच्छा, इसके अलावा और भी कई चीजें इन्होंने दी हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, ये देखिए। तो ये है BJ162, यहाँ पर BJ254, BJ153, तो यहाँ पर भी देखिए 153, तो ये BGA है 162 और ये 221। तो अभी हम 221 ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो IMMCIC है वो 221 है, तो 221 में ले लेते हैं। और उसके अलावा क्या मिलता है, तो उसके अलावा देखिए आपको इस तरह के जैसे ब्लेड नंबर 4 के हिसाब से या फिर PPD फैलाने के हिसाब से आप इसको लेकर, PPD जब आप लेंगे तो आप यहाँ से इसको बहुत आसानी से PPD को आप इसको फैला सकते हैं। तो इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। ये ब्लेड आप ले सकते हैं, ये ब्लेड जनरली अगर ऊपर आ जाता है तो आप इसको यहाँ से काट के, अगर कोई बॉल ऊपर आ गया तो उसको हटाने के लिए ब्लेड आप ले सकते हैं। तो ये 0.10 का इन्होंने यहाँ पर 0.15 का इस तरह से इन्होंने ब्लेड, और इस तरह से एक यहाँ पर इन्होंने एक और ब्लेड दिया हुआ है ताकि आप इस PPD को आसानी से हाथ से ना लगा के इससे लगाएं। चलिए तो अब हम इसको देखते हैं, मैं इसको यूज़ करता हूँ, अब हम इसको देखते हैं। तो मैंने सारी BGA को रख दिया इधर, किस तरीके से ये काम करती हैं यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये है मेन प्रोडक्ट स्मार्ट व्यू का, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट व्यू, ये आपका स्टेंसिल का स्ट्रेचर है। तो ये काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया है, काफ़ी हाईली प्रिसाइसिस, काफ़ी अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर
काफी अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर हीटिंग ये कंज्यूम कर लेता है फूल, और ये आपकी स्टेंसिल को फुलाएगा नहीं। तो आपको करना क्या है, नॉर्मल है, कुछ नहीं, इसको यहाँ रखना है, इसके ऊपर आप इसके अंदर आपको बीजी रखनी है आपकी। तो देखिए इसके अंदर आपको बीजी रखनी है आपकी, और फिर उसके बाद में आपको स्टेंसिल आपको बिठानी है। ये आपने बीजी रखी यहाँ पर, और देखिए ये देखिए कितना ज़्यादा तेज मैग्नेटिक है इसका, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तो कितना तेज, इस पर मैग्नेटिक नहीं है, मैग्नेटिक पूरा इस पर है, ये देखिए तो बहुत ज़्यादा तेज इसका मैग्नेटिक है। तो चलो आपको करना क्या है, इस पर रखना है, फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको अपना बीजी रखना है और उसके ऊपर आपको अपनी स्टेंसिल रखनी है। तो देखिए मैंने आईसी लगा ली है, आईसी नॉर्मल है, सिर्फ आपको प्लेट के नीचे रखनी है, और ये देखिए आईसी ऐसे आपको यहाँ दिख रही है, सिर्फ आपको रखनी है, उसके बाद बीजी रखनी है और ये आईसी आपकी लग जाएगी। तो ये देखिए ये आईसी लग चुकी है, और जैसे कि मैंने बताया ये पीपीडी लगाने के लिए है, तो ये दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है आपको। इस तरह का एक कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा अपना, मैं इस टूल में यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरा स्क्रैपर है, ये देखिए ये देखिए, तो ये आपका काफ़ी हार्ड है। नॉर्मली जो सस्ते होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, वो थोड़ा से ढीले से होते हैं, मतलब थोड़ा सा ही लगाने पर वो क्या मोड़ जाते हैं, ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना पेस्ट लेना है पीपीडी। देखिए मैंने पीपीडी ली है, मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिक, और मैं रिलाइफ भी यूज़ करता हूँ साथ में, और मैकेनिक भी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं रिलाइफ का पीपीडी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैकेनिक। तो देखते हैं, देखिए ऊपर दिखाइए, तो इस तरह से ये हमें यूज करनी है। ये देखिए, और यूज करने के बाद हमें इस तरह से हटा लेना है पीपीडी। ये देखिए अब फायदा ये रहता है कि आपके हाथ में यूज नहीं हुआ, और दूसरा फायदा ये है कि यहाँ पर और भी यहाँ पे मटेरियल जो इसका है वो बच गया है, तो ये हम दूसरी किसी एमएमसी में या किसी आईसी में यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा फायदा रहता है इसका। अब आप देख सकते हैं ऊपर हल्का सा थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, तो देखिए हमने क्लीन कर लिया है, क्योंकि ऊपर अगर पीपीडी रहेगा तो वो मेल्ट होकर आगे के जो गोले हैं ऊपर के सरफेस के जो बॉल्स है वो उसको शॉर्ट करेगा। अब हम एयर देते हैं यहाँ पर हीट के साथ, और देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, दिखाइए देखिए मैं इसको नहीं टच कर रहा हूँ, बिना टच किए दिखाते हैं ये कैसे बनते हैं, दिखाइए ऊपर। जैसे आपने देखा मैंने ट्वीज़र को हाथ ही नहीं लगाया, ना उसके ऊपर रखा, है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। पर ये उनके लिए है, मैं प्रेफर करूँगा कि जो बिल्कुल नए टेक्नीशियन है वो बिल्कुल लें, जिनको आईसी रिवॉल्व करते नहीं आ रहा है। हालांकि आपका काम तो हो ही जाएगा, और थोड़ा शुरू में आपको सेंसर सेट करने में दिक्कत आएगी, बट बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि चलो एक टेक आपको बता ही देता हूँ, देखिए रिबॉलिंग में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ बॉल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि हमने जो पेस्ट यहाँ पे लिया है वो हमने बिल्कुल गीला नहीं लिया, हमने उसको थोड़ा सा सुखाया है, तो इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ बॉल्स अभी पूरे नहीं बने। तो हम क्या करेंगे, हम इन बॉलों पर पेस्ट लगाएंगे हल्का सा, और उसके बाद वापस हीट देंगे। देखिए
नीचे से दिखाइए, फिर ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाइए, देखिए हमारी आईसी रिबॉल हो चुकी है बिना हाथ लगाए। तो अभी नई नई चीजें आ रही है मार्केट में, पहले ऐसा नहीं था जब हम काम करते थे 2015 से पहले। आप बात करें तो ना स्टेंसिल्स आती थी मार्केट में, ना ये आता था, बड़ी बड़ी स्टेंसिल्स आती थी यूनिवर्सल, तो उससे काम करते थे, पेस्टेड वाला कोई काम ही नहीं था। अब देख रहे हैं आप मार्केट में कितना काम आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका है नए विद्यार्थियों को, नए स्टूडेंट को सीखने का। तो इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पैसा कमा सकते हैं, बस सही तरीके से सीख गए तब। अब देखते हैं, दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए, ये स्टेंसिल बिल्कुल भी नहीं मुड़ी जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे ही देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी एक भी बॉल नहीं फंसा हुआ इसमें, सारे बॉल्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे खाली। और आईसी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरी आपकी रिबॉल हो चुकी है आईसी। एक बार आप और एक बार हम और इसको हीट देंगे फाइनल करने के लिए। तो ये बॉल बन चुकी है। अगर मैं बोलूं इसका क्रेडिट किसको जाता है, तो इसका क्रेडिट जाता है मार्ट व्यू को। मार्ट व्यू के कारण कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, जो रिबॉलिंग जिनको नहीं आती है और प्रॉपर वे से वो स्टेंसिल को सेट नहीं कर पा रहे हैं, हीट कर रहे हैं या स्टेंसिल वो सोचते हैं कि फूल जाती है, जो भी है, बहुत सारे। देखो एक रिबॉलिंग ना करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, सिर्फ खाली स्टेंसिल नहीं होती है, सिर्फ खाली आपकी असेंबली नहीं होती है, बहुत सारी टेक्निक ऐसी है जो आपको प्रॉपर वे में किसी अच्छे गाइडेंस के साथ सीखनी चाहिए। और सिर्फ रिबॉलिंग सीख के मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में फॉल्ट फाइंडिंग निकालना बहुत बड़ा काम हो चुका है। अगर आप अपनी डिस्प्ले की लाइनों को, अपनी आप टच की ट्रैकों को, सेंसर के ट्रैकों को, ऑडियो के ट्रैकों को आप नहीं जानेंगे, तो आपके पास फॉल्ट आएगा तो आप बनाएंगे क्या? मान लीजिए आपके पास कोई फॉल्ट आया, ऑडियो नहीं चल रहा, तो क्या आप सीधे ऑडियो आईसी निकालेंगे? नहीं, ये कोई आईफोन थोड़ी ना है कि सीधे लिया और डायरेक्ट सोल्यूशन वाले पर। देखिए आईफोन के काम अलग है, ये एंड्रॉयड पे सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। तो मैं कह रहा हूं, तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये लीजिए अगर आप बिल्कुल नौ सीखे हैं। और मुझे ये लगता है मेरा ये रिव्यू है, बहुत अच्छी स्टेंसिल है, बिल्कुल उन भाइयों के लिए जो नहीं कर पा रहे हैं और जिनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिनको आ रही है तो मुझे नहीं लगता। हाँ, बट अगर अच्छी स्टेंसिल चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो बिल्कुल लीजिए RV01, बहुत अच्छी है। आपके सामने मैंने ये आईसी को रिबॉल किया, मैं आपको दिखाता हूँ ये आईसी हाथ से। देखिए पास आइए, ये देखिए ये देखिए, और ये हुआ इसकी वजह से। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ये परचेस कीजिए मार्ट व्यू। आप जेडएक्स मलिक जो नीचे दिया नंबर है उनसे परचेस कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया है, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और बहुत सारे अभी वीडियो आने वाले हैं इस टेलीकॉम के ऑफिशियल चैनल पे, हमारे स्टूडेंट के आउटपुट हो या फिर हम बात कर रहे हैं एक एंडलेस सोल्यूशन हो। तो कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू वेरी मच। इंडिया का रेवोल्यूशन कौन सा?